में पितृपक्ष मेले के 14वें दिन त्रयोदशी तिथि की शाम को विष्णुपद मंदिर से सटे फल्गु नदी के किनारे पर पतरी दिवाली मनाई गई। पिंडदाइयों ने अपने पितरों की याद में दिए जलाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है। मेले के 14वें दिन त्रयोदशी तिथि की शाम को विष्णुपद मंदिर से सटी फल्गु नदी के तट पर पितरी दिवाली मनाई गई। इस खास मौके पर पिंडदानियों ने अपने पितरों की याद में देवघाट पर दीप जलाए, फल्गु नदी में दीपदान किया और आतिशबाजी भी की। विदेशी पिंडदानियों ने भी अपने पूर्वजों की याद में दीप जलाकर उन्हें नमन किया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने से पितरों के स्वर्ग पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। देख करके बहुत ज्यादा मतलब इतना आनंद आ रहा है। ऐसे आनंद पर पितरों की दिवाली कभी देखी नहीं। आज पितरों की दिवाली यहाँ पर हो रही है, इससे बड़ा आनंद कोई दुनिया में है नहीं। ये पितरों का काम है और इससे बढ़कर कोई आनंद है नहीं। बहुत आनंद आ रहा है। ये मौका बार बार मिलना चाहिए। ये हमारे लिए इतना फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हम लोग को बहुत ज्यादा आनंद। इस मौके पर फल्गु नदी के पश्चिमी तट स्थित देवघाट को अलग अलग रूपों में दीपों की श्रृंखला से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मान्यता के अनुसार देवघाट पर दीप जलाकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कामना करने से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। हम लोग यहाँ 15 दिन का पितृपक्ष मेला मनाने के लिए आए हुए हैं। इस पितृपक्ष मेला में पितरों की शांति के लिए ये देव दिवाली मनाई जाती है। शांति के लिए श्राद्ध करवाने के लिए 50 मंत्रों का परिवार यहाँ पला रहा हुआ है। जय जगन्नाथ। देश विदेश से आए लोग अपने पितरों के लिए घी के दिए जलाए। इस दौरान फल्गु नदी में भी दीप दान किया। हजारों की संख्या में एक साथ दीप जलने से पूरा देवघाट रोशनी से जगमगा उठा। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के लिए 1,508 दीप जलाने की परंपरा है। पितृपक्ष के 14वें दिन फल्गु नदी में स्नान करके दीपदान और दूध से तर्पण करने की परंपरा रही है, जिसे पितरी दिवाली यानी पितरों की दिवाली के नाम से जाना जाता है। दूरदर्शन समाचार के लिए गया से जितेंद्र।